दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी में कैसे हम नॉर्मल तरीके से खा पी करके अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएं। उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बॉडी का मीडियम। मतलब बॉडी दो तरह के मीडियम में काम करती है, या तो बॉडी एसिडिक होती है या बॉडी अल्कलाइन होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम को सही करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं या किसी भी बीमारी से कैसे दूर हो सकते हैं, इसके क्या क्या लॉजिक्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मीडियम, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लड का जो मीडियम होता है बॉडी में, बॉडी में मीडियम का मतलब होता है कि शरीर के अंदर में जो हमारे ब्लड का मीडियम होता है वो क्या होना चाहिए और क्या होता है। शरीर का मीडियम बनता है दोस्तों हमारे खाने पीने से, जो हम खाते हैं पीते हैं उससे जो ब्लड होता है उसका मीडियम घटता बढ़ता रहता है। जनरली ये होना चाहिए हल्का सा अल्कलाइन, यानी आपको मीडियम के बारे में पता ही होगा कि ये एक से शुरू हो करके 14 तक जाता है, 14 तक जाता है, बीच में 7 होता है, 7 होता है न्यूट्रल बेसिकली। तो 7 के नीचे अगर है पीएच लेवल तो इसको माना जाता है एसिडिक, और 7 के ऊपर अगर है तो इसको माना जाता है अल्कलाइन। बॉडी का जो मीडियम होता है या जो होना चाहिए एक्यूरेटली वो होता है 7+, मतलब 7 के थोड़ा ऊपर होना चाहिए और 8 के नीचे होना चाहिए। मतलब ये कि थोड़ा बॉडी का नेचर अल्कलाइन अगर होता है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि शरीर में कोई भी बीमारी पैदा नहीं हो सकती। अगर मीडियम अल्कलाइन है ब्लड का या शरीर का तो उसके अंदर कोई भी बीमारी पैदा नहीं हो सकती। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हमारा मीडियम होता कैसा है। आप दोस्तों कभी चेक कराएंगे या कभी पता करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों का मीडियम अल्कलाइन होने के बजाय एसिडिक होता है, यानी 7 के नीचे होता है। अब आप खुद सोचिए कि कारण क्या है। अगर अंदर का मीडियम अल्कलाइन होता तो शरीर के अंदर में कोई भी बीमारी पैदा नहीं हो सकती। हमारे पुराने समय में लोग क्या करते थे, ऐसे खाने पीने का ध्यान रखते थे जो अल्कलाइन ज़्यादा होती थी, ठीक है, ऐसे फूड खाते थे। आज के समय में चीज़ें उल्टी हो गई हैं। तो अब इसका असर कैसे बनता है, ये कैसे होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। अब ये बेसिकली तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खान पीन है, यानी जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उसका जो मीडियम होता है वो प्रभावित करता है हमारे ब्लड के मीडियम को। ब्लड का मीडियम अल्कलाइन होगा एसिडिक होगा ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा पी रहे हैं, ठीक है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फूड होता है, फूड, फिर उसके बाद पानी, हवा, इन सारी चीज़ों का भी असर होता है, ठीक है। अब सोचिए हम फूड की बात अगर करते हैं तो हमारे खाने में ज़्यादातर हम वो कौन सी चीज़ें खाते हैं जो मीडियम को एसिडिक करता है या अल्कलाइन करता है। आप कभी खाने का अपना जो भी है आप कभी उसको गौर करके देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। आप देखेंगे कि खाने में, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि किस किस खाने में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसका मीडियम कैसा होता है। इसका पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा यूट्यूब, इस पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। तो अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यानी जिसको हम किसी भी एनिमल से प्राप्त करते हैं उसका मीडियम ज़्यादातर आपको एसिडिक मिलेगा, ठीक है। और जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं वह मिलता है अल्कलाइन। मैन मेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एसिडिक होती हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं, कौन कौन सी अल्कलाइन है। मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, सब कुछ एसिडिक है। और एसिडिक तो कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका एसिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि यह 2-3 तक चला जाता है। अब आप सोच लीजिए कि बीमारी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी।
हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा होता है कि 2-3 तक चला जाता है। होना कितना चाहिए? 7 के ऊपर, मतलब एल्कलाइन होना चाहिए, तो बीमारी पैदा होनी ही होनी है। ठीक है, तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बंद कर दीजिए, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो मेन पोषक आहार होना चाहिए वो होना चाहिए एल्कलाइन। अब एल्कलाइन किस चीज़ में पाया जाता है? जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं जो नेचर के द्वारा दी गई हैं, फल हैं, इन सब का नेचर होता है एल्कलाइन। कोई भी फल आप उठा लीजिए, उसका नेचर होता है एल्कलाइन। तो जितने भी फल हैं, आप फल को जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, जितनी हरी कच्ची चीज़ों का सेवन करेंगे, वो सब आपके मीडियम को एल्कलाइन की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप किसी भी बीमारी को सही करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, बीमारी पैदा ही होती है एसिडिक मीडियम में। आप भयंकर से भयंकर बीमारी का नाम ले लीजिए, जितनी भी बीमारियां हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको पेट की समस्या है, आपको और कोई समस्या है, सबका कारण यही है। मैं आपको एक दवा बताता हूँ, सिर्फ इसको सही कर लीजिए, आपको हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने शरीर का जो मीडियम है उसको आप एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ लेके चले जाइए, आपके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं मेरा दावा है सही हो जाएंगी बिना किसी दवा के भी, अगर आप सिर्फ इस चीज़ को कर पाएँ तो। आप लगातार मेंटेन कर लीजिए अगर 1 साल तक एल्कलाइन मीडियम को, आप देखेंगे आपके शरीर से 90% बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवा की। बाकी जो 10% है उसमें अगर आप एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करते हुए दवा खाते हैं वो भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर डिटेल में बताया है मैंने कि बेसिकली वो बुक तो है डायबिटीज़ के ऊपर पे, डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, डायबिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं डायबिटीज़ को बढ़ाने में, घटाया कैसे जा सकता है, डायबिटीज़ में खान पान कैसा होना चाहिए, डायबिटीज़ में मैंने इस चीज़ को स्पेशली बताया हुआ है कि क्या क्या खाएं जिससे डायबिटीज़ का जो मीडियम है, वही वाली बात है कि एसिडिक मीडियम को कैसे हम एल्कलाइन में लेकर के आएँ, तो कैसे एल्कलाइन आ सकता है, उसमें किस फूड में कितना पाया जाता है, उसकी एल्कलिनिटी कितनी है, उसकी क्षारीयता कितनी है, वो सब भी मैंने डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बुक है, इसका लगातार लोग इसको प्री ऑफर में ले रहे हैं, प्री लॉन्च ऑफर में ले रहे हैं। प्री लॉन्च ऑफर आपको पता ही है 492 का है, वैसे ही 555 की ये बुक है, लेकिन प्री लॉन्च ऑफर में ये मात्र 492 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, 25% डिस्काउंट है, प्लस 75 रुपीज़ का कुरियर चार्ज आपको घर बैठे मिल जाएगी, उसके लिए अलग से आपको कुरियर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी 492 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बात रही इसके बारे में, और ये इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, मेरा जो सेशन चल रहा है आपको अभी थोड़ा सा दिखेगा क्लिप, तो आप देखेंगे कि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और बॉडी के साथ साथ में होम्योपैथी से हम कैसे डायबिटीज़ को या किसी भी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, किसी मेडिसिन को समझने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने सेशन में मैं देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मेरी बात में हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने मीडियम को एल्कलाइन आज से करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को आप दूर कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पसंद क्या आया, और पसंद ना आया हो तो भी कमेंट करिएगा कि क्या पसंद नहीं आया, आगे किस टॉपिक पे आप और ज़्यादा वीडियोज़ जानना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।